अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंटी टीवी में आज एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना कोई ना कोई मालूमाती या तफरीही वीडियो आपसे शेयर करते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जीत के बारे में क्या रद्दमल पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराया है, जिस आसानी से हराया है, दो बातें साफ हैं। एक, ये टीम अब मुझे सेमीफाइनल की बहुत बड़ी दावेदार लगती है। पाकिस्तान की टीम को तो हमने उल्टा मान लिया था कि पाकिस्तान की टीम तो अच्छा करेगी नहीं, और फुलटा टीम कौन थी? न्यूजीलैंड। लेकिन एक बड़ा मुकाबला पाकिस्तान जीतने के बाद अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, भारतीय मीडिया इस चीज़ को देख रहा है कि अगर भारत मैच जीता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। दोस्तों, इस चीज़ का इस तरह उन्होंने बयान किया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बेहतर हुए हैं। ये मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो सकता था। पाकिस्तान के 7 मैचों में 7 पॉइंट्स हो गए हैं, बांग्लादेश के भी 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से ऊपर है और वो 5वीं पोजीशन पे है और पाकिस्तान 6वीं पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 12 पॉइंट्स के साथ पहले, न्यूजीलैंड 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे, भारत 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे और इंग्लैंड 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते के रोज़ 29 जून को लीड्स में अफगानिस्तान और आखिरी मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में बांग्लादेश से होगा। ये दोनों मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान के 11 पॉइंट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगले 2 मैच न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से हैं। वो दोनों मैच हार के भी सेमीफाइनल खेल सकता है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर टॉप टीम बनने के लिए कोई मैच हारना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह नंबर 2 पे आने वाली टीम न्यूजीलैंड, जिसके 11 पॉइंट्स हैं और सेमीफाइनल के लिए उसकी पोजीशन भी महफूज है, इसके आखिरी 2 मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हैं। भारत के 9 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं। वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ उसके मैच अभी बाकी हैं, जिसका मतलब ये है कि वो भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन सी होगी, इसके लिए पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से है। बांग्लादेश भी दौड़ में शामिल है, लेकिन अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीत गया, जिनमें से एक बांग्लादेश के खिलाफ है और दूसरा अफगानिस्तान के, तो अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैच जीत गया जिनमें से एक बांग्लादेश के खिलाफ है तो उसके इम्कान ख़त्म हो जाएंगे। इंग्लैंड का अगला मैच इतवार को भारत और 3 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। अगर वो दोनों मैच जीता है तो उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान के चांस ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो एक मैच हारा तो पाकिस्तान का मुमकिन 11 पॉइंट्स की वजह से सेमीफाइनल नहीं खेल सकेगा। श्रीलंका के 6 मैचों में से 6 पॉइंट्स, इसके बाकी 3 मैच जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और भारत के खिलाफ है। अगर वो तीनों मैच जीत जाए तो उसके भी 12 पॉइंट्स हो सकते हैं। इस सूरत में भी पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ टीम अगले दोनों मैच जीते बल्कि इंग्लैंड और श्रीलंका कम से कम एक एक मैच हारे। मुबसरीन कहते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन नहीं, बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत ही पाकिस्तान की मदद को आए और इंग्लैंड और श्रीलंका को शिकस्त देकर हम सायों को सेमीफाइनल खेलने का मौका फराहम करें। जी तो दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी और पसंद की। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बंटी टीवी। अल्लाह हाफिज़।